जर्नी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है मुंबई टू गोवा। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। जो भी गाड़ियाँ रुक रही हैं सिर्फ 2-3 किलोमीटर तक के लिए रुक रही हैं, बड़ी दूर के लिए एक भी गाड़ी नहीं रुक रही। 10-15-20 किलोमीटर कोई नहीं आया। मैडम ऐसे घूर के जाती हैं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। लेफ्टी तो मांग रहा हूँ मैडम। पहली बात भाई, मैं दूसरे गलत रास्ते पे खड़ा था, और गलत रास्ता नहीं कहेंगे उसे, लंबा रास्ता था वो। अंदर नवीन मुंबई होते हुए एक रोड है, ये NH 48 है, मेरे को इससे जाना था। मैं गलत रास्ते में खड़ा था, तीन घंटे क्रॉस हो गए। अभी तक वहाँ पे लिफ्ट मिली नहीं थी मेरे को। अभी 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद प्रदीप चौधरी भाई ने मेरे को लिफ्ट दी है गोवा तक के लिए। प्रदीप चौधरी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसा कि देख रहा हूँ पूरा लाल हो चुका हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी उधर राजस्थान में नहीं लग रही थी मुझे जितनी ज़्यादा बॉम्बे में लग रही है। ये महाराष्ट्र में सोच रहा था गर्मी कम होगी, पर यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब आगे पता नहीं है गोवा में क्या होगा, गर्मी होगी या मौसम ठंडा होगा, जैसा भी होगा मैं आपको गोवा में और दिखाऊंगा। थोड़ी गलत फहमी हो गई, अभी मैं वो जो ट्रक वाले भाई ने मेरे को लिफ्ट दी थी वो गोवा तक नहीं था, वो कुछ किलोमीटर आ रहे थे, 40-50 किलोमीटर। अब देखो गोवा के लिफ्ट यहाँ से स्टार्ट करना होगा। ये जगह कौन सी है मेरे को नहीं मालूम, बस ये एक हाईवे है और इधर पता नहीं काम वाम चल रहा है, छोटा सा गाँव है। एग्जैक्ट 4 बज गए, अब दोबारा लिफ्ट लेते हैं। कम से कम थोड़ी बहुत हवा हुआ तो चल रही है, वहाँ तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एक ढाबा भी है, होटल है। गोवा पहुँच पाएंगे बताओ।
भाई ने गाड़ी रोक दी है और अब मैंने उनसे कहा पीछे बिठा दो, तो वो रुक गए। भाई आप आगे कहाँ तक जाइएगा? मेरे को गोवा तक जाना है। बिल्कुल बैठ जाएंगे। भाई लोगों के साथ हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, चाय की चुस्की ले रहे हैं साथ में मिलके और वड़ा पाव भी खाया। रत्नागिरी अभी अराउंड कितने किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से? 160। अभी 160 किलोमीटर और दूर है। मैं गोवा जाने वाला था पर रात बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं रत्नागिरी में रुकूँगा। भाई बता रहे हैं रत्नागिरी गोवा से ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं रत्नागिरी घूमूंगा कल, उसके बाद गोवा निकलूँगा। थैंक यू भाई गिफ्ट देने के लिए। भाई के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है, चाय वाई गोलखपुर में है हम लोग, और भाई ने मेरे को रास्ते में वो भी खिलाया था तरबूज। वाटरमेलन। थैंक यू भाई, चाय की चुस्की ले लेते हैं फिलहाल। रात को मैं रत्नागिरी पहुंच गया था और 10-11 बजे के करीब इन्हीं भाई के पास रुका था और ये गाड़ी में टेंट लगा लिया है। रात को मच्छर थे इस वजह से, वरना मैं मैट बिछा के सोया था। नींद अच्छी आई। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अब रत्नागिरी थोड़ा घूमूंगा। भाई पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, उसको सेट करते हैं, फिर मुँह हाथ धो के फिर निकलते हैं। अभी भी उठो के सामान दिखाता हूँ, पूरा मैस पड़ा हुआ है, सामान सेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलता हूँ। अभी मैं उधर से निकल गया हूँ, मुँह धो रहा था पर उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे कैमरे वमरे लगे हुए हैं, अभी मुंह यहाँ मत धो, बाहर जाके धो लेना। तो मैं अभी निकल चुका हूँ, उधर बीच साइड जाऊँगा, मांडवी बीच नाम है सर, उधर से व्यू आता है समुद्र का, उधर निकलूँगा और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को उधर का व्यू। यही रास्ता है, थोड़ा आगे जाता है, ये कुछ लोकेलिटी ऐसी दिखती है। थोड़ा आगे जाके फिर मेरे को लेफ़्ट लेना है, उधर से सीधे बीच की तरफ। ये कुछ व्यू है, मस्त सर, नारियल के पेड़, नज़ारे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और हम पैदल पैदल चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये मांडवी बीच के लिए, मांडवी पीछे पीछे रास्ता, पीछे से वो पीछे से जाओ थोड़ा, अंदर अंदर से राइट पे। ओके ठीक है, थैंक यू। तो मैं थोड़ा आगे आ गया था, मेरे को पीछे से जाना है मांडवी बीच के लिए। चाय नाश्ता करने का मन है लेकिन पहले मुंह धो लूँ ढंग से, बिना मुंह धोए मज़ा नहीं आता ना कुछ करने में। वैसे दांत तो मैंने मांझ लिया है, बस मुंह धोना है, अच्छे से वॉश करना है, फेस वॉश करना है। भाई गूगल मैप पोपट बनाता है क्या? वो रास्ता आगे से दिखा रहा है और मेरे को यहाँ के जो लोकल हैं वो बता रहे हैं कि आपको इधर से जाना है। अलग ही है गूगल मैप का भी सीन ही, अलग है बिल्कुल। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ठीक है, और अगर सिटी वगैरह में या कहीं गांव वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो अंदर, तो उसके लिए ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो दिखा रहा है घुमा के 700 मीटर और ये यहीं पे 150 मीटर में। मांडवी बीच जाने के रास्ते में क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन भी देखने को मिल रहा है, देखो
पूरा ग्रीनरी है दबाव, पूरे दोनों तरफ नारियल के पेड़, नारियल के पेड़ देखो पूरा ग्रीन ही ग्रीन है, दोनों तरफ जंगल है, बीच में रास्ता है और मैं मांडवी बीच की ओर जा रहा हूँ। पतला सा रास्ता है और छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, इस तरीके के आपको देखने को मिलेगा इस तरीके घर। यहाँ रत्नागिरी में कुछ ऐसा व्यू आता है और इसके बाद सीधे बीच आता है। पानी लगता है पहुंच गए, हा हा हा। I am on the beach, yeah. पीछे टॉयलेट है, बीच के जस्ट सामने, मांडवी बीच के सामने। गंदा था यार अंदर से मेरे को, और तो मैं चला गया और हल्का हो गया। थोड़ा उधर चलते हैं, बैठेंगे, थोड़ा मुंह धोने की जुगाड़ हो जाए थोड़ी ढंग की तो ज़्यादा अच्छा होगा। भूख भी लगी है यार, बिस्किट पड़ा हुआ है, पहले मुंह तो धो लूं। अभी थोड़ा आगे चलता हूँ, पैदल चलने के लिए रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते से बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाऊँगा। तो मैं थोड़ा इधर बैठ जाता हूँ, वहाँ बाद में जाऊँगा, मुंह वगैरह धो लेता हूँ, मैट बिछा के अपना बैग वैग रख लेता हूँ और थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, ठीक है। सामान पीछे रख दिया है और अभी थोड़ा बीच की तरफ पैदल पैदल निकलते हैं। सामान यहाँ पीछे रखा हुआ है और अपन थोड़ा आगे चलेंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ा। गंदगी है पर कोई है नहीं तो अकेले अच्छा लग रहा है, वरना बीच पे ज़्यादातर भीड़ रहती है ना, और जब पानी बड़ा खारा है। देखो कितना गंदा काला बिल्कुल। जितना टाइम पास करना था कर लिया, 10-15 मिनट से ऐसे ही टहल रहा हूँ इसमें बिल्कुल बीच में, और मज़ा आ रहा है बहुत तेज। ये व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है कि नहीं, रत्नागिरी से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बस इसी के पैसे, पैसे तो कुछ नहीं लगते हैं बीच में आने के, और यहाँ कोई है नहीं, ये सबसे प्लस पॉइंट है। यहाँ आराम से टहलो, बातें करो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ मांडवी बीच आ सकते हो, बिल्कुल खाली रहता है, और ये जो व्यू पॉइंट मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे बैठने की भी जगह साइड में लगी हुई है, तो आराम से यहाँ पे बैठ के आराम भी कर सकते हो, और यहाँ पे रश है नहीं, टूरिस्ट जाता आते नहीं है, ऑफ बीट प्लेस टाइप की है मेरे हिसाब से, तो वही लग रही है। मैंने ज़्यादा रिसर्च किया नहीं है पर देख के मेरे को वही फील हो रहा है कि यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है शायद, ये खाली खाली है। तो उधर से व्यू देखते हैं कैसा दिखता है। मैं अभी उधर जा रहा था व्यू पॉइंट की तरफ, तो इधर एक भाई नहा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, देखते हैं बातचीत करते हैं।
हाँ, मेरा ही मन कर रहा था नहाने का, पर पानी खा रहा है नहीं तो दिल नहीं कर रहा। कोई नहीं, चलते हैं वहाँ, अगर कंपनी अच्छी मिल गई तो नहा भी लेंगे। अभी भाई के साथ मुलाकात हुई, बहुत ही चिल बंदे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया भाई है इब्राहिम भाई हमारे, और रत्नागिरी, रत्नागिरी से। बिल्कुल, कहाँ से बोल रहे भाई? रत्नागिरी, रत्नागिरी मेरे घर वाला से। और अभी अब भाई नहा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी नहा लेता हूँ, तो चलते हैं नहाते हैं। और भाई से बहुत बातचीत हुई हमारी, अपनी मोहब्बत की दास्तां बताई, भाई ने रैप सुनाया, रैप तो आप लोगों को दिखाएंगे अभी। और मेरी तरफ से भी मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ भाई। हाँ बोलो भाई, बिल्कुल। हाँ सुनो सब लोग, भाई लोग, भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों सब लोग सुनो, भाई जो मिले मुझे यहाँ पे अल्लाह की मदद से मिले, अभी कैसी मुलाकात हुई अभी वो पता नहीं, लेकिन मिले, अल्लाह ने मिलवाए, समझे, मतलब ईमान की मतलब ईमान की वजह से अल्लाह ने हमको ईमान की निस्बत से मिला है, मतलब अल्लाह ने यहाँ पे हम लोग को अभी इतनी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करीब आ चुके हैं ना भाई, इतना मोहब्बत होगी इंशाल्लाह, पहले फर्स्ट टाइम ही मिल के कि बता नहीं सकते भाई, अभी इसका तो अल्लाह ताला ऊपर इंशाल्लाह लेंगे ये फैसला, इंशाल्लाह। बाकी भाई इंशाल्लाह मिलते रहो, इंशाल्लाह रत्नागिरी आते रहो, पब्लिक तुम भी आ जाओ रत्नागिरी, समंदर पूरा अपना ऐसा पानी है गहरा और शूटर सब जागते हैं।